कच्चा चिट्ठा के आज के स्पेशल एडिशन की शुरुआत परमाणु हथियार के ट्रिपल अलार्म से। परमाणु हथियारों को लेकर आज तीन देशों से सनसनीखेज खबर सामने आई। ये देश हैं ईरान, रूस और चीन। सबसे बड़ी खबर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। दरअसल अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अपनी एक बहुत ही विश्वसनीय रिपोर्ट 2023 में बेहद चौंकाने वाला ये दावा किया है। ईरान, चीन, रूस और खौफनाक न्यूक्लियर अलार्म। इस अलार्म को सुनकर अमेरिका की परेशानी बढ़ गई है। इस अलार्म को सुनकर ब्रिटेन खौफ में है। इस अलार्म को सुनकर इजराइल न्यूक्लियर स्ट्राइक का फैसला ले सकता है। इसे सुनकर सऊदी अरब अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा सकता है, क्योंकि एक ऐसा न्यूक्लियर सायरन है जिससे दुनिया के 35 से अधिक देशों में सनसनी मची हुई है। वजह है परमाणु युद्ध का खतरा। खतरा नंबर एक, रूस के 11 टाइम जोन में एक साथ परमाणु हमले का अभ्यास। खतरा नंबर दो, चीन का न्यूक्लियर बम से लैस सुपर वेपन। खतरा नंबर तीन, 2 हफ्ते में परमाणु हथियार बना सकता है ईरान। खतरा नंबर चार, ईरान की न्यूक्लियर साइट पर इजराइल के स्ट्राइक। खतरा नंबर पांच, ईरान के बाद सऊदी अरब बनाएगा परमाणु बम। रूस ऐसा परमाणु युद्ध अभ्यास कर रहा है जैसा अब तक कभी नहीं हुआ। रूस ने पहली बार पूरे देश में परमाणु युद्ध अभ्यास की घोषणा की है। 3 अक्टूबर को रूस की स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर फोर्स यानी परमाणु त्रिमूर्ति पूरी शक्ति के साथ युद्धाभ्यास कर अपनी परमाणु ताकत का प्रदर्शन कर रही है। रूस और चीन के हाइपरसोनिक हथियारों ने पेंटागन की परेशानी बढ़ा रखी है। वहीं अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान अगले 2 हफ्तों में परमाणु हथियार बना सकता है। इसी वजह से अमेरिकी सैटेलाइट सुपर एक्टिव है। सैटेलाइट के लेंस ईरान पर जूम हो गए हैं। ईरान के न्यूक्लियर साइटों के हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली जा रही हैं। रूस के न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज को गौर से देखा जा रहा है। रूस की धरती से लेकर आसमान और आसमान से लेकर समंदर तक में तैनात परमाणु हथियारों की निगरानी हो रही है। सबसे पहले बात अमेरिका से आई इमरजेंसी वार्निंग की। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्ट्रेटजी फॉर काउंटरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट 2023 में बहुत ही चौंकाने वाला दावा किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान अगले 2 हफ्ते में परमाणु हथियार बना सकता है। स्ट्रेटजी फॉर काउंटरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट 2023 में दावा किया गया है कि ईरान के पास 14 दिनों के अंदर परमाणु हथियार तैयार कर लेने का कच्चा माल तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास रिकॉर्ड समय में परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा है, परमाणु बम बनाने की तकनीकी जानकारी है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां नहीं दे रहा है। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने उस लेवल तक का यूरेनियम तैयार कर लिया है जितना परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी होता है। ऐसे में ईरान बेहद कम समय में परमाणु हथियार बना सकता है। रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि ईरान परमाणु संयंत्रों में कई अहम साइटों पर कैमरे लगाने की इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए इस बात का अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि वो किस लेवल का यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज कर रहा है। वहीं मई 2023 में आई सैटेलाइट तस्वीरों से ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि ईरान पहाड़ों में सैकड़ों फीट गहरी सुरंगें खोदकर परमाणु हथियार बना रहा है।
और अब आपको एक बेहद खास यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। दरअसल ईरान की न्यूक्लियर साइट की इन दो सैटेलाइट तस्वीरों को जो कि इस वक्त आपके सामने मौजूद है, बेहद गौर से देखिएगा क्योंकि इसने पूरी दुनिया की धड़कनें बहुत तेजी के साथ बढ़ा दी है। नतांज न्यूक्लियर साइट, इसे बहुत ध्यान से आप देखिएगा। जो ये एरो आप देख रहे हैं, दरअसल ये नतांज न्यूक्लियर साइट है जो कि सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सामने आई है। ये पहली तस्वीर है जो कि ईरान की सबसे बड़ी नतांज न्यूक्लियर साइट है। अब इसका जिक्र यहां पर क्यों कर रहे हैं हम, ये समझिए। दरअसल ईरान ने अपने साइट को जो आप इस वक्त यहां देख रहे हैं ज़ाग्रोस के पहाड़ों के बीच में तैयार किया है। जो ये साइट आप देख रहे हैं ज़ाग्रोस के पहाड़, इसके बारे में अगर जानेंगे तो एक लाइन में यही कहा जा सकता है कि ये ईरान और इराक की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। सैटेलाइट इमेज से इस बात का भी पता चला कि ईरान नतांज न्यूक्लियर साइट के पास पहाड़ में सुरंगें खोद रहा है। अब इन सुरंगों को भी आप देख लीजिए क्योंकि ये सुरंगें बताएंगी कि खतरा किस तरह से पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। इन सुरंगों की गहराई जानकर आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि इन सुरंगों की गहराई इतनी ज्यादा है कि कोई भी हमला इनमें नहीं हो सकता है। अगर हमलावर ने हमला भी किया तो वह बेअसर साबित हो जाएगा। कैसे, आप देखिए ये सुरंगें यहां पर आपको नजर आ रही होंगी। दरअसल 260 फीट से लेकर 328 फीट गहरी ये सुरंगें हैं। कितना भी बड़ा हमला होगा, दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि जो इनकी गहराई है वो इतनी ज्यादा है कि किसी भी तरह का हमला इन पर नहीं हो सकता है, सब बेअसर साबित हो जाएगा। और यही ईरान ने अपनी नई न्यूक्लियर साइट को यहां पर बना दिया है जो इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। ये गेट आप देखिए, ये सुरंग आप देखिए, ये इतनी गहराई से और इतने ताकतवर तरीके से बनाई गई है कि अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश या फिर इजराइल भी अगर हमला कर सकता है तो उन हमलों से भी इसे बचाया जा सकता है। वो हमले भी, अमेरिका या इजराइल का भी हमला होगा तो वो बेअसर यहां पर साबित हो जाएगा। गेट, ये सुरंग आपको यहां पर नजर आ रही होगी। नई भूमिगत न्यूक्लियर साइट किस तरह से यहां पर बनाई जा रही है वो आपके सामने है और इसे आप दूसरी सैटेलाइट तस्वीरें के जरिए भी समझ सकते हैं। दूसरी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए आप इसे कैसे समझेंगे ये यहां पर बताते हैं। दरअसल इस नए अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स के चार गेट है, जिन चार गेट का हम यहां जिक्र कर रहे हैं। गेट यहां पर देखिए, एक गेट आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, एक यहां भी गेट नजर आ रहा होगा। यह सुरंग आपको लाल रंग की नजर आ रही होगी, एक लाल रंग की सुरंग जो है जो कि 260 फीट से 328 फीट गहराई में यहां पर है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान के परमाणु स्थल पर अमेरिका के हथियार भी पूरी तरह से बेअसर साबित हो जाएंगे। जो आपको यहां नजर आ रहा है यह है नतांज न्यूक्लियर साइट जो कि ज़ाग्रोस के पहाड़ों पर यहां पर बनाए गए हैं। और अमेरिका इस साइट को तबाह करने की कोशिश भी करे तो भी उसके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा, वो यहां पर इस मोर्चे पर मात खाएगा जो इस वक्त आप सैटेलाइट तस्वीर के जरिए देख रहे हैं, क्योंकि इसी लिहाज से इसे पूरी तरह से यहां पर डिजाइन किया गया है। ईरान बीते दो दशक से ज्यादा समय से परमाणु शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पश्चिमी देश नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति से लैस हो। दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच गया है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने यूरेनियम की एक बड़े खेप को इकट्ठा कर लिया है। वैसे तो ईरान ने 6 स्पॉट पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रखे हैं, लेकिन इनमें से दो अहम साइट है। पहला है नतांज और दूसरा फोर्डो में बना भूमिगत न्यूक्लियर साइट, जहां ईरान सबसे अधिक उच्च गुणवत्ता का यूरेनियम संवर्धन करता है। ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट के तौर पर सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी हो चुकी हैं। ये नतांज न्यूक्लियर साइट की 2002 की तस्वीर है। 2002 से 2020 तक इस साइट का ईरान ने बहुत विस्तार किया है। वहीं फोर्डो वाले न्यूक्लियर साइट की पहली सैटेलाइट तस्वीरें 2009 में सामने आई थी। यहां भी 2002 से 2020 तक ईरान ने काफी विकास किया है। दावा किया जाता है कि ईरान सबसे अधिक यहीं यूरेनियम संवर्धित कर रहा है। दावे के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम का जो जखीरा जमा किया है उसे इतना संवर्धित कर लिया है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है और IAEA के मुताबिक ईरान 83.7% संवर्धित यूरेनियम हासिल कर चुका है, यानी वो एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। IAEA के रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में हुए परमाणु समझौते के बाद ईरान के यूरेनियम का भंडार कई गुना बढ़ चुका है। खतरा इस बात का भी बढ़ गया है कि ईरान के परमाणु हथियार बनाने के बाद खाड़ी में न्यूक्लियर रेस शुरू हो जाएगी। यही वजह है
क्योंकि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के चलते इसराइल और ईरान में ठन गई है। सऊदी अरब के प्रिंस की आंखें तन गई हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रण किया है कि इसराइल ईरान को परमाणु बम से दूर रखने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। वहीं सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने धमकी भरा ऐलान किया है। प्रिंस सलमान ने ऐलान किया है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहेगा। We are concerned of any country getting a nuclear weapon. That's a bad move. If they get one, we have to get one for security reasons and for balancing power in the Middle East. But we don't want to see that. दावा किया जाता है कि खाड़ी देशों में गुपचुप तरीके से परमाणु हथियारों को बनाने का काम चल रहा है। यही वजह है कि खाड़ी में शुरू हुई परमाणु रेस के सबसे बड़े खिलाड़ी ईरान को लेकर ब्रिटेन की जनता डरी हुई है। ब्रिटेन की मशहूर सर्वे एजेंसी डेल्टा पोल ने आखिर क्या कुछ कहा वो समझना अब बेहद जरूरी है। दरअसल डेल्टा पोल ने द नेशनल के लिए एक खास सर्वेक्षण किया। क्या उसमें सामने आया है, ये पूरी डिटेल इस वक्त आपके सामने। दरअसल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से डर लगता है, ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है। ब्रिटेन में आधे से ज्यादा लोगों का मानना है कि ईरान का जो ये परमाणु पूरा कार्यक्रम है पूरी दुनिया के लिए, जी हां पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये 56% लोगों का कहना है। डेल्टा पोल के सर्वे में ब्रिटेन के 56% लोगों ने माना कि ईरान का जो परमाणु महत्वाकांक्षा भरा ये पूरा प्रोजेक्ट है वो खतरों से भरा है, इसलिए डरते हैं। उनका कहना यह है कि ईरान का जो ये परमाणु कार्यक्रम है ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा यहां पर साबित हो सकता है, ये मानना है। और 11% लोगों का क्या मानना है ये भी दिखाते हैं। उनका कहना है कि ब्रिटेन को नहीं कुछ देशों को खतरा है, यानी कि ब्रिटेन को इस परमाणु कार्यक्रम से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ कहा कि कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें यह खतरा यहां पर जरूर दिखाई देता है, उनके लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही साथ यह भी कहा 8% लोगों ने जो उनका मानना यहां पर रहा है कि इसका खतरा उन्हें बिल्कुल भी यहां नहीं है। तो देखिए किस तरह से प्रतिशत के हिसाब से, फीसद के हिसाब से लोगों ने अपनी राय यहां पर रखी। लेकिन परमाणु हथियारों से जुड़ा एक खतरा जिसने अमेरिका समेत पूरे नेटो कैंप को डरा रखा है।